ये संसार झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है और सच कभी नहीं बदलता, झूठ हमेशा बदलता है। हम भी जन्म लिए थे तो छोटे से थे, जवानी आई फिर बुढ़ापा गया, हम भी तो बदल रहे हैं। इसका मतलब हम भी सच्चे, हम नहीं सच्चे हैं। सच क्या है? ये संसार झूठा, हम झूठा। अब संसार और हमसे जो बचा है वो सत्य है। हमसे और संसार से जो बच गया वो, अब बताओ क्या बचा? संसार भी झूठा, हाँ या ना? संसार कैसे झूठा है? जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। संसार परिवर्तित हो रहा है नित्य प्रति, ये बात सही है, हाँ या ना? हम भी बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी बदल रहा है। सुबह कुछ और था, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, उदय होते ही सूर्य अलग थे, अस्त होते ही सूर्य अलग होते हैं, 12 बजे के सूर्य अलग होते हैं और शाम को 5 बजे के सूर्य अलग होते हैं, हाँ या ना? सूर्य तो वही है बट उनका प्रकाश मीन्स उनकी गर्मी कम ज्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती है, हाँ या ना? तो सच है। चांद में भी परिवर्तन है, अमावस्या के दिन कुछ नहीं और पूर्णिमा के दिन पूरी। अमावस्या के दिन चांद कहाँ होता है? लुप्त, और पूर्णिमा के दिन पूरा। परिवर्तन है, चांद की कलाएं बदल रही हैं, प्रतिपदा को अलग, द्वितीया को अलग, तृतीया को अलग, चतुर्थी को अलग, पंचमी को अलग, षष्ठी सप्तमी को अलग। चांद बदल रहा है, सूर्य बदल रहा है, संसार बदल रहा है, समुद्र की सीमाएं बदल रही हैं। समुद्र की कल तक जो सीमाएं थी वो आज नहीं है, जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगी। समुद्र की सीमाएं कई जगह घट जाती हैं, कई जगह बढ़ जाती हैं, हाँ या ना? नदियां कल तक यमुना मैया परिक्रमा मार्ग में बहा करती थी, अब दूर बह रही हैं। कल तक गंगा कहीं और बहा करती थी, कई जगह तो नदियां आधा आधा किलोमीटर दूर चली गई हैं, हाँ या ना? कई जगह, हाँ या ना? कहीं पास आ रही हैं, कहीं से दूर जा रही हैं। परिवर्तन हो रहा है, किसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है? समय के द्वारा। परिवर्तन, जहां परिवर्तन है वहां सच नहीं है, और जो सच है, सच परिवर्तित होता ही नहीं है। अब बताओ कौन है जो परिवर्तित नहीं होता? कौन? अर्जुन बदल गए। जब द्रौपदी से शादी हुई थी, जब द्रौपदी से शादी हुई, विवाह हुआ, तो प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे सुख दुख में मैं साथ खड़ा रहूंगा, हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, परछाई की तरह तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन दिया था द्रौपदी को, पर जब साड़ी खींचने लगी तो पांचों की पांचों बैठे रहे, साथ छोड़ दिया कि नहीं? बोलो, साथ कौन छोड़ता है, सच या झूठ? बोलो। इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है, इसलिए तो साथ छोड़ देता है। पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाती है, पति भी चला जाता है। बेटों ने भी कई बार माँ बाप को साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं साथ छोड़ने के, पर लोग लगभग साथ छोड़ देते हैं। साथ हर समय एक है जो नहीं छोड़ता, बताओ कौन? कौन? मेरी माँ। एक भगवान के सिवा द्रौपदी का साथ सबने छोड़ दिया, पर किसने नहीं छोड़ा? भगवान ने, श्री कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ये संसार झूठा क्यों है? क्योंकि सब ही झूठा है। अच्छा, सब झूठा है पर लगता सच जैसा है। कैसा? जादू किस किसने देखी है? जादूगर का, जादूगर की जादू। पहले गांव में ना जादूगर आया करते थे जादू दिखाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने जादूगर का जादू देखा? गांव गांव पहले आया करते थे, अब तो कम हो गए, पहले बहुत आया करते थे। हमारे गांव में एक जादूगर आया था, उसने एक बच्चे को जाल में बांध दिया और कपड़ा ढका, तो जाल के अंदर से बच्चा गायब हो गया, कबूतर आ गया।
जादू था उसके पास। उसने धूल उठाई और धूल से उसने कुमकुम रोली बना दी। अर्थ क्या निकला? जादूगर का जादू दिखने में सच्चा लगता है लेकिन होता झूठा है। हाँ या ना? जादूगर का जादू देखने में कैसे लगता है? पिक्चरें आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने में बिल्कुल सच लगती हैं, पर होती झूठी हैं। हाँ या ना? एक पिक्चर है बागवान, उसमें जो मुख्य किरदार है बच्चन साहब का, वो रो रहे हैं कि मेरे बेटों ने मेरा सेवा नहीं की। एक की सेवा माँ करता है, एक की सेवा पिता की सेवा अलग, माँ की अलग। उस पिक्चर में जो दिखाया गया है, क्या उनकी रियल जिंदगी ऐसी है? बोलो हाँ नहीं। मतलब जो आप देख रहे हैं वो झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसा रहा था? सच। जब आप पिक्चर देखते हैं तो उस कहानी को सुन करके आप रो पड़ते हैं, आंसू तो झूठे नहीं है, आपका रोना तो झूठा। पिक्चर झूठी है पर आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच जैसा लगता है और हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि वो सच उसी तरह जैसे पिक्चर सच जैसी दिखती तो है बट सच होती नहीं है, उसी तरह ये संसार सच्चा दिखता तो है सच है नहीं। सच क्या है? भगवान ही सत्य है। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार झूठा है मेरी माँ, भगवान सच्चे हैं। इसलिए झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजर बनाए रखो। झूठे संसार में तो रहना ही पड़ेगा, अब भले संसार झूठा है पर हमें रहना तो है। झूठे संसार में रहो पर सच्चे भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो। झूठे संसार में हम रहते रहते उस सच्चे भगवान को भूल जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध किया, युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता। भीम भैया जरासंध से युद्ध करते हैं, उसे मारते हैं, वो फिर से जिंदा हो जाता है। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे, ये तो बहुत पिटाई करता है मेरी, मैं थक गया लड़ते लड़ते। 27 दिन से युद्ध हो रहा था। अब भगवान ने कहा, भीम भैया कहाँ जा रहे हो? बोले, आप तो कोई हेल्प करते नहीं हो, मदद करते नहीं हो, चुपचाप तमाशा देखते हो। अब हम पिट रहे हैं, ये जरासंध बहुत मार रहा है। भगवान ने कहा, भीम भैया कल युद्ध करना, पर युद्ध करते समय आप मेरी तरफ दृष्टि रखना। करना युद्ध पर युद्ध करते समय देखना किसे है? जोर से, जोर से, भगवान को। अच्छा, तो भगवान की, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, युद्ध में भगवान की तरफ भीम भैया ने देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे बीच से फाड़ा और तिनके को बीच से फाड़ कर एक तिनके को इस तरफ, एक तिनके को इस तरफ। जरासंध क्या करते, भीम भैया क्या करते, जरासंध को फाड़ तो देते थे बीच से पर वो फिर जुड़ जाता था। अब की बार भगवान ने इशारा किया कि उसका दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ, यूं कर दो तो मर जाएगा। भीम भैया भगवान के सारे पर वैसे ही किए, युद्ध जीत गए। 27 दिन तक अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली। एक बार भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार के करो पर भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो, इशारे भगवान के समझते रहो तो हर युद्ध में जीत आपकी होगी। आप भगवान के इशारों को समझते नहीं है। इशारे समझते हैं ना आप लोग? समझदार को इशारा काफी है। उसी तरह गीता, भगवत गीता क्या है? इशारा ही तो है। भगवत गीता क्या है? भगवान का इशारा है। अब समझो तो समझो, भगवान इशारा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इशारा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। मैं बैठा हूं फल देने के लिए, ये सारे ही तो हैं, पर तुम्हें सारे समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो। हमारा दिमाग वहां पहुंचेगा नहीं ना, समझो, आपका दिमाग नहीं पहुंचेगा वहां, इसलिए थोड़े सारे समझा करो। रामचरितमानस में सारे गोस्वामी जी ने कहा, सी राम मैं सब जग जानी, सबको भगवान मैं जानो, ये सारा जानो। कहां जान पाए हम, ना जान पाए, वो सारी जिंदगी बातें करते रहे तो क्या हुआ, करते रहो। भगवान ने सारा किया, भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम ब्रज, आजा मेरी शरण में जल्दी, छोड़ सब झंझट, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचा, आजा सब झंझट छोड़, यहां वहां की दिमाग से निकाल सब, मेरी शरण में आजा, मेरा हो जा। भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर इशारा कोई नहीं समझता। आप पत्नी के हो गए, आप पति के हो गए, आप परिवार के हो गए, पर आप भगवान के नहीं हो पाए, इशारा समझे ही। आप किसकी हो मैया, हाँ अभी अभी हुई है, पहले से थी। आप पहले किसकी थी, आप कहती हो पति से हम तो आपकी हैं, है ना। द्रौपदी ने भी कहा जा अर्जुन से, हम तो आपकी हैं, और जब साड़ी उतरने लगी तो बुलाया अर्जुन आओ, नहीं कोई नहीं आएगा, जिसे आपने अपना कहा ही नहीं वो आते हैं, इसलिए कहता हूं ये अपने नहीं है। इन लोगों के बीच में रहो, पर अपने की तरह नहीं, सपने की तरह रहो। जैसे आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, आपको लगेगा ये सब कुछ सपना ही है। आंख बंद होने तो दो, ये संसार का हर सपना भी टूट जाएगा। तो आपको किसका होना है, अभी किसके हैं दादाजी बताएंगे, आप किसके हो सरकार बताओ, भैया जी, ओ भैया आप किसके हैं, अपनी पत्नी के, अपने बेटे के, अपने परिवार के, है ना। हमें पत्नी का नहीं होना, पति का नहीं होना, परिवार का नहीं होना। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। देखो तुमसे हाथ भी नहीं उठाए उठ रहे हैं, तुम क्या हो पाओगे। झूठी हो मेरी माँ, कहती कुछ और हो, कह रही हो भगवान के सामने हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा। अब आप कहो भगवान से कि हम आपके हो गए, और देखो पति की तरफ, हम हाथ उठाकर कहते हैं, तो आप किसके हो रहे हैं, कहीं पर नजरें और कहीं पर निशाना, है ना। किसके होना है, भगवान के। अभी किसके हो, जिसके भी हो, वहां से पूरा नट बोल्ट खोल लो, पूरा सिस्टम, और पूरा भगवान के हो जाओ। हम और आप बदल रहे हैं, हमारी और आपकी भाषा वाणी बदल रही है, पर मीराबाई के बोल कभी ना बदले। मीरा ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ये बात मीरा ने कभी नहीं बदली। शुरू से अंत तक वो यही कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना,
और आप लोग क्या कहते रहते हैं, सब मेरा, ये मेरा, ये कान के बाले मेरे हैं, हाँ अरे ये चप्पल तूने पहनी, चप्पल तो मेरी, सब मेरा, हाँ मेरी माँ झूठी मैया, झूठा संसार, सच्चे कौन, भगवान, इसलिए सच्चे भगवान की तरफ मन लगाओ मेरी माँ।